से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत का कोहराम, डॉक्टर्स और कर्मचारी गायब, प्रिंसिपल खुद कर रहे हैं मरीजों की देखभाल। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं नवेद खान। दिन है 1 मई 2021। ये तस्वीरें मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की है, जहां कोरोना से मौत का तांडव साक्षात नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस और शर्मनाक बात यह है कि मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स कर्मचारी, जो इस वक्त भगवान से भी ऊपर का दर्जा रखने वाले इंसान है, वो भगवान के रूप में राक्षस बने हुए हैं। बीते दिन जहां सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स से लड़ाई में डॉक्टर्स खफा हो गए थे, वहीं आज किसी तीमारदार की डॉक्टर्स से विवाद हो गया, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से गायब हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में जहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों का अभाव है, तो वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार खुद मरीजों का हाल चाल जान रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स और कर्मचारी अपने प्रोफेशन की हुनक में है। किसी तीमारदार ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी एक मरीज के तीमारदार ने बदसलूकी की तो इसकी सजा क्या सभी मरीजों के तीमारदारों को मिलनी चाहिए, मरीजों को मिलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े कर्मचारियों को शर्मसार कर देने वाली घटना मेरठ मेडिकल कॉलेज की है। गौरतलब है कि प्रिंसिपल खुद मरीजों के बीच है, अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टाफ, उनके डॉक्टर्स कर्मचारी अपने प्रोफेशन की हुनक में है, पेशे की हुनक में है, लोगों को तरफ तक छोड़कर चले गए। क्या यही असली रूप है धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशंस का, ये एक बड़ा सवाल है स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का, जो पैसा बढ़ाने के लिए तो हॉस्पिटल हड़ताल कर देते हैं, लेकिन इस वक्त जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भगवान बन गए हैं मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर्स और कर्मचारी गायब है, मरीज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, प्रिंसिपल खुद मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कर्मचारियों की पोल खोल रही है। इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, आइए देखिए मेरठ मित्र चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान। यहाँ पेशेंट डाइड हो गया था, तो जो ट्रीटिंग हमारा डॉक्टर था उसके ऊपर तीमारदारों ने असॉल्ट किया, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई और जूनियर डॉक्टर लेफ्ट। सर कितने पेशेंट अभी हम एजेंसी में फिलहाल? 125। ये थोड़ी सी रिक्वल्टी है, तीमारदार भी उनके मरीज बहुत सिखाते हैं, उनमें भी थोड़ा एग्रेशन रहता है, और यहाँ इमरजेंसी में तो ख़राब कंडीशन में आते हैं, तो हम सभी मरीजों को पूरी कोशिश करते बचाने के लिए, उनमें से कुछ को नहीं बचा पाते। जब इस तरह झगड़ा होता है तो और ज़्यादा सिचुएशंस खराब होती है। सर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट एक है, उसके साथ तीमारदार चार हैं, कहीं ना कहीं कोविड का वार्ड है ये, उसके बाद में भी कितना बड़ा इशू मानते हैं ना। हम उनको समझाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे आसपास के एक व्यक्ति के साथ एक आदमी रहे, तो इस तरह से सब रहते हैं, तो उसमें दिक्कत तो होती है, हम लोग काम नहीं कर पाते। इधर इधर भी देखिए कितने एक के साथ चार चार लोग बैठे हैं। सर इसको रोकने के लिए आपका कदम क्या होगा, इन चीज़ों को मैनेजमेंट करने के? पुलिस फोर्स भी लगी, हमारे गार्ड भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, और जब मना करो तो उन पर डिमांड आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े फुटारू हो जाते हैं।